जोरदार हिट लगाना चाहा बट डाला है। एक पॉइंट का और एडवांटेज हुआ। कंटिन्यू पॉइंट इस चेकर भाई चक्कर हटा। 12-7 के स्कोर पर डिफेंडर वेल शॉट बाय मिस्टर तारिक। टच आउट कराने में कामयाब मिस्टर तारिक। अरसलान भावापुर जहां कहीं भी हो तब एंट्री बॉक्स पर आ जाए। अरसलान भावापुर अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही तो बड़ा है तरह कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। 8-12 के स्कोर पर सलमान भावापुर अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही तो बड़ा है तरह कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। 12-8 के स्कोर पर 9 सर्विस टू टकर हटा। अच्छी सर्विस डिफेंडर डिफेंडर और ये मिस्टर जैद अहमद। बॉल को अवे मार भटीसी के साथ एक चेंज मिला अशरफपुर को। 8-12 के स्कोर पर डिफेंडर वेल शॉट मगर इस बार जोरदार हिट लगाना चाहा मगर पट्टी मार रहा डीसी के साथ। एक पॉइंट का एडवांटेज मिला। 9-12 के स्कोर पर डिफेंडर और ये जैद अहमद हल्का सा ड्रॉप बॉल अभी भी है मगर बॉल को डाउन करना चाहा मगर इस बार नाकाम रहा अशरफपुर के प्लेयर। इसी के साथ एक आसान सा चेंज मिला ककराटा को। 12-9 के स्कोर पर मिस्टर जैद सैंपल सर्विस डिफेंडेड और ये जीशान अहमद बाल सभी बाल अभी भी हवा में पॉइंट करने का सुनहरा मौका। वेल शॉट बाय काउंटर अटैकर मिस्टर समीर अहमद। जितनी भी तारीफ की जाए कम है इस काउंटर अटैकर की कि साखी लिखा कुमार लिखा जाम लिख दिया एक दिल बचाता है समीर तेरे नाम लिख दिया। वेल शॉट बाल अभी भी हवा में और ये मिस्टर जैद वेल शॉट बाय मिस्टर जैद अहमद। एक पॉइंट का और एडवांटेज मिला। 49 के स्कोर पर 9 सर्विस टू पकड़ा था सैंपल सर्विस डिफेंडेड वेल शॉट वहीं पर दबा के बाल अभी भी हवा में बाल सब लिया बदमाश चुपा कर मिस्टर तारिक और ये मिस्टर जीशान अहमद। बाल अभी भी हवा में पॉइंट करने का सुनहरा मौका। आज माइस टू काउंटर अटैकर बाल अभी भी हवा में बाल सभी और ये जीशान अहमद। एक बार फिर मिस्टर जैद वेल शॉट बाय मिस्टर जैद अहमद। कंटिन्यू पॉइंट इज टेकन भाई कक्कर हटा। 15-9 के स्कोर पर अच्छी सर्विस डिफेंडेड और ये जीशान अहमद इस बार आए टच आउट कराने में कामयाब जीशान अहमद। 9-15 के स्कोर पर सर्विस टू अशरफपुर मिस्टर नवाज सर्विस पर सैंपल सर्विस डिफेंडेड टू मिस्टर अरशद और ये मिस्टर आबिद काफी चतुराई के साथ बाल को डाउन किया। अबू तालिब ठेकेदार जो कि अपना कीमती वक्त निकाल कर इस टूर्नामेंट में आए हैं मैं उनका तहे दिल से हर मकदम बंदन वंदन व अभिनंदन करता हूँ। हल्का सा प्लेसमेंट मिस्टर तारिका हल्का सा प्लेसमेंट किया और अपने टीम के लिए चेंज कराया। जंप सर्विस डिफेंडेड और इसी के साथ काफी देर के बाद एक पॉइंट का एडवांटेज मिला अशरफपुर को। 10-16 के स्कोर पर
जंप सर्विस डिफेंडेड टू मिस्टर जैड और ये मिस्टर आबिद वेल साट बाय मिस्टर आबिद टच आउट कराने में कामयाब 14-10 के स्कोर पर नव सर्विस टू तक रहा था अच्छी सर्विस लाइन टच फाउल पकड़ा गया मिस्टर नोमान बड़ी बेहतरीन अंपायरिंग करते हुए जब ये अपना आसान लेते हैं तो इनको गेंद भी करीना कपूर दिखाई देती है नौ सर्विस से असरत पर डिफेंडर वेल साइड बाई मिस्टर डेली पर बाल अभी दिया ने बाल सभी एडवाइस टू मिस्टर आबिद इस बार वहीं पर दबाया गया नो ऑब्जेक्शन फॉर अंपायर अंपायर का फैसला अंतिम स्वयं होगा 12-16 के स्कोर पर फैसला सिमटा हुआ अच्छी सर्विस डिफेंडेड और ये मिस्टर आबिद इस बार टच आउट कराना चाहा मगर नाकाम रहा इसी के साथ एक पॉइंट का और एडवांटेज होता हुआ 9 points for 13-16 कंटिन्यू पॉइंट इस टेकन बाई असरत पर और ये काउंटर है तो अगर इस बार जहां से मारना चाहे वहीं पर दबा गए एक पॉइंट का और एडवांटेज होता हुआ 14-17 के स्कोर पर फर्स्ट टाइम आउट इस टेकन बाई ककराता नव सर्विस टू असरतपुर 14-16 के स्कोर पर सैंपल सर्विस डिफेंडेड टू अलियक्कर और ये मिस्टर जैद इस बार बाल को आउट मार बैठी इसी के साथ एक पॉइंट का और एडवांटेज मिलता हुआ 15-16 के स्कोर पर हल्का ड्रॉप बाल सबली वेल डिफेंस बाय असरतपुर हल्का प्लेसमेंट बाल सबली बाल अभी भी हवा में इसी के साथ दोनों टीमों का स्कोर बराबर 16-16 बराबर तालियों से इस्तकबाल करें धीरे धीरे लय में आती हुई असरतपुर 16-16 बराबर के स्कोर पर डिफेंडेड और ये काउंटर अटैकर इस बार वही पर दबाए गए जहां से निकलना चाहो वहीं पर दबाए गए मिस्टर तारिक के हाथों द्वारा 17-16 के स्कोर पर और ये मैन वेल ब्लॉक मोहम्मद जीशान अहमद 18-16 के स्कोर पर और शुक्रिया मदरसा मिरकातुल उलूम के सभी नौजवानों का हम शुक्रिया अदा करें चलिए यहां पर 18-16 का स्कोर ये जीशान और इस तरह से 19-16 जीत से मात्र 2 कदम दूर है टीम अशरफपुर सर्विस यहां पे सर्विस को संभाला फिर समीर बच गए रहता है और इस तरह से यहां पे कुछ गलतियां देखी गई अशरफपुर की 16-19 सर्विस पर आरक्षक यहाँ पे बहुत ही प्यारा डिफेंस अर्षद का लेकिन परवरदिगार ने इनके नसीब में कुछ और ही लिखा बहुत ही लाजवाब डिफेंस लेकिन कहा जाए कि रिसीव करने में नाकाम रहे डिफेंस काफी अच्छा रहा छोटी सी सर्विस सर्विस को संभाला जैद फिर यहाँ पे आबिद और उस तरह से 16-19 पर एक मौका है यहाँ पे ककराहटा के पास एक बड़ा चांस है गोल्डन मौका है और अली एक बार मैं देख रहा हूँ कि टीम की कोचिंग कर रहे हैं काफी अच्छी सर्विस भी यहाँ पर टीम के कोच के तौर पर नजर आ रहे हैं और ये गलती जिसका खामियाजा शायद हार की सूरत में भुगतना पड़े राफे रईस का चेहरा भी नजर आ रहा है
कि ककराटा टीम में अगर ये खिलाड़ी होता तो टीम और मजबूत होती, तो फिर बड़ा मजा आ जाता। और इस तरह से ड्रॉपिंग के जरिए पॉइंट ना स्कोर 20 अगेंस्ट 16, 20 और 16 ना गेम पॉइंट। कैप्टन रेडी टीम ककराटा जैद ने संभाला, मौका बन सकता है अभी यहाँ पर, माइनस बॉल का यहाँ पे खतरा था, लेकिन फिर यहाँ पे तारिक और यहाँ पे रुमान चेला पड़े वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आउट का इनकार कर दिया और उस तरह से फिर बॉल आउट, जिसकी वजह से 16-20 ये मौका है। अभी भी ककराटा के पास चांस है, मुकाबले में चलिए वापसी करिए दोस्त। यहाँ पे ईशान, ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी का छक्का लगा हुआ है, और जिसको लगी है पैर टूटा के बचा रही है, टूट गया क्या ताबीज, अब ताबीज भी बस आगे ले चलेंगे। यहाँ पे जोरदार हिटिंग ब्लॉकर के ऊपर से यहाँ प्रहार कर दिया ईशान 20-17 पर। कैप्टन रेडी वंस अगेन, अरशद का पास आबिद आए, लेकिन अभी भी बाल फेसा में यहां से क्रॉस किया जैद ने, लेकिन ये क्रॉस कामयाब रहा, ये क्रॉस रहा कामयाब। अब भी दोस्त मौका है, ये चांस कहा जाए कि रईस रहते रईस, ये आखिरी चांस है, ये गोल्डन चांस है, ये आखिरी चांस है ककराटा के पास। अपना दोस्त 17-20 का स्कोर है। तालिब ठेकेदार लगातार ग्राउंड के चारों तरफ में दिख रहा हो कि अपने आप को कुर्बान करते नजर आ रहे हैं। फिर यहाँ इस मतलब आवे 18-20, एलाही ये क्या माजरा हो गया कि ककराटा टीम दोस्त में दिख रहा हो कि यहाँ पे 18-20। टाइम आउट इज टेकन बाय अशरफपुर, अरशद कमाल की सर्विस, आबिद कमाल लाजवाब ब्लॉक, फिर यहाँ पे क्रॉस, लेकिन कैफी मौजूद थे वहां पर, फिर किसी तरह से पॉइंट का मौका है यहाँ पे, क्या फैसला आता है नौमान का, क्या फैसला आएगा, क्या फैसला होगा जी, नौमान भी आ रहा था। और यहाँ पे स्कोर अगर देखा जाए 19-20, अब ग्राउंड के चारों तरफ के दर्शक बिल्कुल यहाँ पे आनंद ले रहे हैं कि मुकाबला बहुत ही काटो भरा हो रहा है। दोनों ग्रामीण की टीम, एक ग्राम सभा से ताल्लुक रखने वाले दोनों टीमों के खिलाफ, समीर 20 बराबर। तो नौमान भाई ये बता दें, 2 पॉइंट का डिफरेंट होगा या डिफरेंट ऑफ 2 पॉइंट, दोनों टीमों कैप्टन, यहां से 2 पॉइंट का डिफरेंस अब यहां पर हो जाएगा। नवाज शहबाज, यहां चोर दरवाजे से, गुप्त दरवाजे से हमला कर दिया है नवाज ने, बिल्कुल मुकाबला बहुत दिलचस्प है। और शादाब वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल पर यह मुकाबला मिल जाएगा, जितने भी लोग हैं अपना मोबाइल ऑन करें। और दोस्त यहां पर मैं दिख रहा हूं कि अशरफपुर के एक पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, खुर्शे चचा यहां पर हैं, आइए हम आपका शो, यहां पे आबिद जश्न मना रहे थे, लेकिन फिर बहाल आ गई आबिद के, और ये समीर, लेकिन वहां पर डिफेंडर अशरफपुर मौजूद थे, नवाज टकरा, रोमान वहां पर मौजूद, ये गेम शायद अब यहां से आगे जाए नहीं। 20 बराबर का स्कोर, जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है, कांटो भरा मुकाबला। खुर्शीद साहब अशरफपुर में देख रहा हूँ कि पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, रियाज साहब है, हबीब साहब, पंकज, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग, सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जैद के ऊपर से टप्पा खाकर गेंद 20 बराबर पर, सर्विस चेंज होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मंजर बड़ा प्यारा मंजर। जरा उधर के जो हारिस के आसपास जो लोग, जरा थोड़ा और जी, शुक्रिया दोस्त आपका। वाओ, यहां पे आबिद कमाल, पूरे ककराटा की दुआएं लेता हुआ आबिद कमाल, यहां पे अशरफपुर टीम,
शतरंज का वो महरा आजमाना होगा जो महरा कामयाब करे। जीशान और यहाँ पे 23-20, एलाही ये क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब बड़ी देर के बाद राफी के चेहरे पर मैं दिख रहा हूँ कि कुछ हंसी खेलती हुई नजर आ रही है। और वही दोस्त अशरफपुर यहाँ से अच्छा डिफेंस के साथ अच्छा इस मैच के लिए मुकाबला आपकी मुट्ठी में आ सकता है। आइए जीशान प्रहार कीजिए, ये क्रास, ये दोस्त गेम चेंजर क्रास, ये गेम चेंजर क्रास है जिसे दिमाग के साथ जीशान ने इस्तेमाल किया। पावर का इस्तेमाल कम, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा। और यहाँ पे फिर मौका है अशरफपुर के पास, पॉइंट का मौका है, लेकिन यहाँ पे सर्विस का मौका समीर, टूर्नामेंटल हैंड बाय मिस्टर समीर। संघर्षों के दरमियान यहाँ पर इतिहास दोनों टीमों का पलता और बढ़ता नजर आ रहा है। फिर यहाँ जीशान 20-23 लगातार कॉन्टेस्ट हो रहा है दोनों टीमों के दरमियान। दोनों टीमों के हौसले दोस्त बिल्कुल बुलंद, कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। ये आबिद ने कहा है कि हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। कैप्टन रेडी टीम अशरफपुर, 16-20 का स्कोर था, अब 21-20। ये लाजवाब टूर्नामेंटल डिफेंस आबिद कमाल यहाँ पे। ये देखिए ये डिफेंस का जादू, ये आबिद कमाल की मेहनत रंग लाई है। अपने आप को पूरा निचोड़ कर रख दिया है ग्राउंड पर और उस तरह से अशरफपुर बड़ी मेहनत किया है, लेकिन हार जीत तो ये